शहीद आजम सरदार भगत सिंह होना की गल कर लीए, राजगुरु सुखदेव जी की गल कर लीए, शहीद आजम सरदार उधम सिंह होना की गल कर लीए, वो किसी एक धर्म कौम मजहब फिरके दे नहीं, वो समुची दुनिया के ने, समुची कायनात के ने, पूरे हिंदुस्तान के ने। और इस करके मैं उन्होंने नाम नाल जोड़ के कोई मैं सियासी गल भी नहीं करनी चाहता, पर मेरे बहुत ही सत्कारयोग मेरे साथी ओपोजिशन के साथियों ने गल की। तो मेरे वो दिन भी स्पीकर साहब याद आ गया अज कि जब असी उधर बैठे सीगे ते मैं एक पंजाब सरकार नूं मंग की सीगी कि शहीद भगत सिंह जी होना नूं, शहीद उधम सिंह जी होना नूं कौमी शहीद का दर्जा जिहड़ा वो 75 सालां दे विच मिलिया नहीं हैगा, वो घट्टो घट्ट आपां इत्थों मता पा के केंद्र सरकार कोल भेजीए। ते ट्रायरी बेंचिस ने वह गल सुनण की बजाय जो हो हल्ला सी वो बहुत मचाया सीगा, पर मेरी ऑल सडेंटल मेरी इस गल दे लई धन्नवाद है कि अज 23 जिस दिन भगवंत मान साहब ने पंजाब के मुख्यमंत्री की सहु खटकड़ कलां की उस पवित्र पावन धरती नतमस्तक होके पंजाब की पंजाबियों की सेवा करने की सहु चुकी है, उस दिन तो ही शहीद आजम साहब उधम सिंह होना की, भगत सिंह जी होना की, राजगुरु सुखदेव होना की रूह नूं मुड़ जिउंदा करन दा काम है जिहड़ा पंजाब ते पंजाब सरकार वल्लों शुरू हो चुक्या। सो मेरी तुहाडे सारे साथियों सारे सदन नूं और खास तौर ते ओपोजिशन दे साथियों नूं बेनती है कि जो उन्हां महान शहीदां दे नाम नूं समर्पित हजे तक नहीं होया हैगा, कंस्ट्रक्टिव सुझावां दे राहीं तुसीं मुख्यमंत्री साहब दे कन्नां तक जे एक लफ्ज़ भी पहुंचूगा ते उह पंजाब सरकार है जिहड़ी वो मान साहब की अगुवाई उन्होंने पूरा करने के लिए उन्होंने श्रद्धा के फुल अर्पण करने के लिए महान शहीदों वह तत्पर तैयार हमेशा रहेगी। सो एक बार फिर तो माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का, समुचे सदन का, पंजाब सरकार का विशेष तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद डॉक्टर मिठक्कर पाल। माननीय स्पीकर साहब, मैं तुहाडे माध्यम राही मानयोग मुख्यमंत्री साहब का तहे दिल तों धन्नवाद करदा जिन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी की प्रतिमा और शहीद भगत सिंह की प्रतिमा इस हाउस के अंदर सुशोभित करने का फैसला लिया, क्योंकि मैं जिला शहीद भगत सिंह नगर तो आना और जिला शहीद भगत सिंह नगर के अंदर पहला जिहड़ी जिले के अंदर छुट्टी हुंदी सी, कल उत्थे प्रोग्राम है तो जदों असी प्रोग्राम लई सारिआं नूं बेनती कर रहे सी तां उन्होंने दस्सिआ कि शहीद भगत सिंह दे जिहड़ी छुट्टी सी ओह बंद कर दित्ती गई, तुसीं अपनी गल जरूर हौस च रखिओ। मैं धन्नवादी हाँ माननीय मुख्यमंत्री साहब का जिन्हां ने छुट्टी ऐलान कीती, और मैं बेनती करांगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी जिन्हां ने इस देश नूं संविधान दिता, उन्होंने कहा सीगा कि देश के अंदर संविधान जिन्ना मर्जी वधिया होवे जे लागू करन वाले इमानदार होण, नीयत साफ होवे तां उहनूं वधिया तरीके नाल लागू कर सकदे आ। मैं पढ़ रहा सी कि 1951 के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नूं जिहड़ा कानून मंत्री तों अस्तीफा देना पिया, एक बिंदु सी कि देश के अंदर 35-40% बीसी ओबीसी जिहड़े लोग है जिन्हां नूं उन्हां दा बनदा हक अधिकार नहीं दिता गया, और पंजाब के अंदर भी लंबे समय तो यह जिहड़ा वर्ग है यह अंगौलिया जा रहा। इस करके तुहानूं तुहाडे माध्यम राही मेरी बेनती है कि जिथे इन्हां महापुरशां दी आइडियोलॉजी नूं, इन्हां दी विचारधारा नूं, आपां इन्हां दी सोच नूं आपां बहुत जिहड़ा आशीर्वाद लै रहे हां, उन्हां दी जिहड़ी विचारधारा है उहनूं भी असीं पंजाब के अंदर लागू करिए। इसका मैं तहे दिलों धन्नवाद करदा और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय प्रधान, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी नैशनल पार्टी है, मैं कला मैंबर हाँ, तुम मैं हमेशा जोड़ा मौका दें, ये मैं भैन कुमारी मायावती जी वालों और बहुजन समाज पार्टी पंजाब वालों तो तहे दिलों धन्नवाद करदा। जय भीम जय पाक, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह। श्री अश्विनी शर्मा जी ऐसा है कि स्पीकर साहब तुम आवाज नहीं कि बोलने लिया
बड़ा धन्यवाद है। शहीद पूरी कौम का सरमाया ने और उन्हां नूं असीं बन के नहीं रख सकते। भगत सिंह केवल पंजाब नहीं हिंदुस्तान नहीं हिंदुस्तान तो बाहर भी जिहड़े देश दे नाल प्यार करन वाले लोग ने उन्हां दे आईकोन ने। यह बहुत वड्डा निर्णय है अच्छा निर्णय है कि उन्हां दी प्रतिमा जिहड़ी है इत्थे स्थापित की जाए। लेकिन प्रतिमा काफी नहीं है उन्हां दी आइडियालॉजी उन्हां दा जिहड़ा विचार है वह केवल नारे दे नाल नहीं पूरा होना कि असीं हाउस के अंदर इनकलाब जिंदाबाद बोल दिए तो इनकलाब कहदा एक क्योंकि हाउस पहला चल रहा है इस करके असि यह प्रण करके बैठे थी कि यह हाउस अच्छे तरीके नाल लेकिन मैं लगता डिबेट नहीं होनी चाहिए सी। मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से एक टिप्पणी की है वह मैं लगता कि मैं माफी के नाल कहांगा कि वह जो प्रश्न ना भी करते तो ज्यादा सुखाला रहा। रही गल बाबा साहब अंबेडकर जी की संविधान दलां सारे करना मैं एक मिनट का मेरी सहमति क्यों नहीं होगी मेरा एक मिनट जो तुम मौका देता है देश के प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब अंबेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि के नाल सुशोभित किया और उन्हां दी आइडियालॉजी साडे जीवन का हिस्सा बने। असी संविधान की गल असी कहने संविधान निर्माता ने मैं केवल संकेत दियांगा क्योंकि चीफ सैकटरी साहब बैठे ने मैं उन्होंने एक पत्र लिखा और मैं उम्मीद करना कि उसका जवाब जरूर आएगा अज अगर क्योंकि मुख्यमंत्री जी की इच्छा से असी सारे ने स्वीकार की है और चर्चा बाद होगी। मैं इस निर्णय का स्वागत करना और मैं लगता है महाराजा रणजीत सिंह जी का पंजाब के लिए पंजाबियों के लिए उन्होंने जो राज अज भी एक उदाहरण है वह भी सुझाव जरा बाजवा जी वालों आया तीन ही सलाघा योग ने मुख्यमंत्री जी ने सराहना योग कदम उठाया उन्होंने धन्यवाद। मानयोग मंत्री श्री ब्रह्मशंकर जिंपल स्पीकर माइक से बोलो जी। अच्छा मैं बहुत धन्यवाद करता हाँ सारे सदन का कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की और जिन्हें भी शहीदों की आप चर्चा कर रहे हैं सर भगवंत सिंह मान सीएम पंजाब जी ने जिहड़ा आप खटखड़ गलां दे विच उन्होंने सीएम की शब्द चक्की। मेरा सिर्फ एक कहना है कि जिथे सारिया प्रतिमावां जिथे भी स्थापित होण उन्हां दी रख रखाव और सफाई का ध्यान रखने के लिए एक विशेष उपराला जरूर नाल किया जाए। जिहड़ी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन आता उन्होंने निर्देश जरूर दिता जाए क्योंकि होंगे की है कई बार उठे रख रखाव जी जी जी। और दूजी गल यह है जिथे आप बुत लगाने ने उन्होंने रूह फूकन की जरूरत है जी उन्होंने आइडियोलॉजी है उन्होंने रूह है और रूह फूकन के लिए आम आदमी पार्टी सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व उन्होंने शहीदों के आइडियोलॉजी के चलन का प्रण लेंदी है उन्होंने कैबिनेट उन्होंने MLA साहबान सारे साढ़े सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल साहब का भी यही दिशा निर्देश है और साडा जी शुरुआत है रंग दे बसंती चोले दे नाल हरेक जगह से होंगी है वो उस आइडियोलॉजी के रूप मैं इतने प्रार्थना करना सारे मैंबर साहबान धन्यवाद करता जी। थैंक यू दीपा सरबजीत कौर माणुके स्पीकर साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद तुसीं मैनूं मौका दिता। मैं बिल्कुल सीएम साहब का भी धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इस चीज़ पर पहरा दिता कि वह कौम हमेशा जिंदी रहती है जिहड़े अपने शहीदों का समाया बचा के अपनी अगली पीढ़ी तक लेके जाते हैं। असीं चाहते हैं मेरे वीर मेरे मैंबर साहबान अश्मी जी ने बड़ा वधिया सुझाव दिता बेनती तो एक ही है कि आप हम रल मिल के सेंटर के आप शहीदों का दर्जा दवाईए तो पिछली सरकार बारे एक सीएम साहब तुहाडा होर धन्नवाद करना पिछली सरकार वेले जो संविधान दिवस मनाया सी उदों साडे साडी पार्टी वालों साडे लीडर ऑफ अपोजिशन की अगवाई दे विच एक मता प्रस्ताव दिता गया सी कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की हर सरकारी दफ्तर के विच फोटो लगे
जिन्हों तुसी मनिया ते तुहाडा बहुत धन्नवाद। एक गल होर मैं कहना चाहूंगी कि जदों भी 23 मार्च वाले दिन छुट्टी हुंदी सी एक वर्ग नूं एक जिले च, अक्सर मुलाजम वर्ग यह सोचता हुंदा सी कि बाकी जिले च असीं की करिए। मुलाजम वर्ग कभी छुट्टियां दी आस नहीं रखता, पर उन्हां नूं किसे शहीद का जन्मदिन मनाउण लई, शहीदी समागम दे विच एंटर करन दे लई जां कितें जान शामिल होण दे लई समां चाहिदा चाहीदा। तुहाडा स्पीकर साहब बहुत बहुत धन्नवाद, मुख्यमंत्री साहब का जिन्हां ने मन्निया ते शहीद बहुत बहुत धन्नवाद। प्रश्न है कि सरदार भगत सिंह देश की आजादी की खातर फांसी दे सहण चुम के शहीदी प्राप्त कर गए अते उन्हां दी शहीदी ने भारत के लोगों में ऐसी चिणक लगाई कि अंग्रेजों नूं देश आजाद करने लई मजबूर होना पिया। पंजाब का हर नौजवान अते बछिंदा शहीद भगत सिंह नूं अपना आदर्श मानता है, साडा भी उन्हां प्रति कुछ करन दा फर्ज बनता है। इस तों इलावा देश दे आजाद होण तों बाद जदों साडे देश दा संविधान लिखा जा रहा सी तां डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर दा संविधान लिखण विच बहुत वड्डा योगदान रहा है, इसे करके उन्हां नूं संविधान दे निर्माता भी कहा जाता है। इस तरह की महान शख्सियत नूं हमेशा अपनी याद विच रखना चाहीदा है अते सानूं उन्हां दी जिंदगी तों सीख लैनी चाहीदी है। इसलिए यह सदन राज सरकार नूं पुरजोर सिफारिश करता है कि शहीद भगत सिंह जी अते डॉक्टर अंबेडकर जी और महाराजा रणजीत सिंह जी दे बुत पंजाब विधानसभा विच लगाए जाण लई योग कार्रवाई की जाए ता जो लोगों के नुमाइंदे उन्हां तों सीख लै सकण अते निरस्वार्थ भावना नाल देश की सेवा कर सकन। जेड़े माणयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हैं वो हाँ कहन, जेड़े माणयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हैं वो ना कहन। मैं समझदा हाँ कि मता सर्वसम्मति नाल पास होया स्वीकार किया जाता है। अगली आइटम वित्तीय कामकाज। वित्त मंत्री जी, साल 2021-22 लई पंजाब सरकार दे खर्चियां लई ग्रांटां लई अनुपूरक मंगा पेश करन। माननीय स्पीकर साहब, मैं साल 2021-22 लई पंजाब सरकार दे खर्चे लई ग्रांटां लई अनुपूरक मंगा पेश करदा हां। अज दी कार्य सूची विच सदन दी बहस अते वोटिंग लई कुल 31 अनुपूरक ग्रांटां लई मंगा हन। जेकर सदन की सहमति होवे तां पिछली प्रथा अनुसार ये सारियां मंगा पढ़िया अते प्रस्ताव कीतियां गईयां समझियां जाण अते इकट्ठियां ही बहस लई लै लईयां जाण। बहस दौरान माणयोग मैंबर जिस मंग ते बोलना चाहुंदा होवे उस मंग दा जिक्र जरूर कर देवे। कोई बहस जेकर सदन की सहमति होवे तां ये सारियां अनुपूरक ग्रांटां लई मंगा इकट्ठियां ही सदन की वोटिंग लई रख दित्तियां जाण। प्रश्न यह है कि साल 2021-22 लई पंजाब सरकार दे खर्चे लई ग्रांटां लई अनुपूरक मंगा नंबर 1-3, 5-7, 9-13, 15-16, 18-23, 24-27, 29-30, 32-35, 37-36, 40-42 जो मालिया ते पूंजीगत लेखे ते 11,399,80,00,000 अते 50,000 तो वध ना होण 31 मार्च 2022 नूं खत्म होण वाले वित्तीय साल लई वख-वख विभागां दे संबंध विच होण वाले खर्चियां दे भुगतान लई राजपाल जी नूं दित्तियां जाण। जिहड़े माणयोग मैंबर प्रस्ताव दे हक विच हन उह हां कहन, जिहड़े माणयोग मैंबर प्रस्ताव दे विरुद्ध हन उह ना कहन। मैं समझदा हां कि मता सर्वसम्मति नाल पास होया। वित्त मंत्री जी बिल पेश करन, पंजाब मिशन बिल 2022। माननीय स्पीकर साहब, मैं पंजाब निमर्तन बिल 2022 पेश करता हाँ अते प्रस्ताव करता हाँ कि पंजाब निमर्तन बिल 2022 ते तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव पेश किया गया कि पंजाब निमर्तन बिल 2022 ते तुरंत विचार किया जाए। जी प्रश्न है कि पंजाब निमर्तन बिल 2022 ते तुरंत विचार किया जाए। जेड़े मैंबर जिहड़े माणयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हैं वो हाँ कहन, जिहड़े माणयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हैं वो ना कहन। मैं समझदा हाँ कि प्रस्ताव सर्वसम्मति नाल स्वीकार होया। हुण सदन बिल ते क्लासवार विचार करेगा। प्रश्न यह है कि
कलाज दो तो चार बिल का हिस्सा हैं जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हा कह जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हो ना कह मैं समझदा हाँ कि प्रस्ताव सर्वसम्मति स्वीकार होया। प्रश्न यह है कि शेड्यूल बिल का हिस्सा है जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हाँ कह जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हो ना कह मैं समझदा हाँ कि हाँ पक्ष की जित है हाँ पक्ष की जित है प्रस्ताव सर्वसम्मति स्वीकार हो। प्रश्न यह है कि कॉलेज क्लास एक बिल का हिस्सा है जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हैं वह हाँ कह जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हो ना कह मैं समझदा हाँ कि प्रस्ताव सर्वसम्मति स्वीकार होया। प्रश्न यह है कि टाइटल बिल का टाइटल है जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हाँ कह जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हो ना कह मैं समझदा हाँ कि प्रस्ताव सर्वसम्मति स्वीकार होया। वित्त मंत्री जी बिल पास करने लिए प्रस्ताव पेश कर। माननीय स्पीकर साहब मैं यह भी प्रस्ताव करता हाँ कि पंजाब नमित्तन बिल 2022 पास किया जाए। प्रस्ताव पेश किया गया कि पंजाब नमित्तन बिल 2022 पास किया जाए। प्रश्न है कि पंजाब नमित्तन बिल 2022 पास किया जाए जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हाँ कह जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हैं वह ना कह मैं समझदा हाँ कि प्रस्ताव सर्वसम्मति स्वीकार होया। साल 2022-23 पंजाब सरकार के खर्चों लिए लेखा अनुदान पेश करना। वित्त मंत्री जी साल 2022-23 पंजाब सरकार के खर्चों लिए 3 महीने लिए लेखा अनुदान पेश कर। माननीय स्पीकर साहब मैं साल 2022-23 पंजाब सरकार के खर्चे लिए 3 महीनों लिए लेखा अनुदान पेश करता हाँ। वित्त मंत्री जी प्रस्ताव पेश कर। स्पीकर साहब प्रस्ताव है मैं प्रस्ताव करता हाँ कि 3 महीनों अर्थात अप्लाई अप्रैल मई और जून 2022 लेखा अनुदान जिन्हों की रकम 37,120,23,76,000 रुपये बनती है जिमें कि इस नत्थी अनुसूची में दसे गए हैं तो तुरंत विचार किया जाए और इन्हों पास किया जाए। प्रस्ताव पेश किया गया कि 3 महीनों अप्रैल मई और जून 2022 लेखा अनुदान जिन्हों की रकम 37,120,23,76,000 रुपये बनती है जिमें कि इस नत्थी अनुसूची में दसे गए हैं तो तुरंत विचार किया जाए और इन्हों पास किया जाए। प्रश्न यह है कि 3 महीने अर्थात अप्रैल मई से जून 2022 लेखा अनुदान जिन्हों की रकम 37,120,23,76,000 रुपए बनती है जिमें कि इस नत्थी अनुसूची में दसे गए हैं तो तुरंत विचार किया जाए तो इन्हों पास किया जाए। जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हैं वह हाँ कह जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हैं वह ना कह प्रस्ताव सर्वसम्मति स्वीकार होया। पंजाब नमित्तन लेखा अनुदान बिल 2022 वित्त मंत्री जी बिल पेश कर। माननीय स्पीकर साहब मैं पंजाब नमित्तन लेखा अनुदान बिल 2022 पेश करता हाँ अते यह प्रस्ताव करता हाँ कि पंजाब नमित्तन लेखा अनुदान बिल 2022 के तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव पेश किया गया कि पंजाब नमित्तन लेखा अनुदान बिल 2022 के तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि पंजाब नमित्तन लेखा अनुदान बिल 2022 के तुरंत विचार किया जाए जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हाँ कह जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हैं वह ना कह मैं समझदा हाँ कि प्रस्ताव सर्वसम्मति स्वीकार होया। हुण सदन बिल ते क्लास वार विचार करेगा। प्रश्न यह है कि क्लास 2 तो 4 बिल का हिस्सा हैं जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हाँ कह जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हों ना कह मैं समझदा हाँ कि प्रस्ताव सर्वसम्मति स्वीकार होया। प्रश्न यह है कि शेड्यूल बिल का हिस्सा है जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में वह हाँ कह जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हैं वह ना कह मैं समझदा हाँ कि प्रस्ताव सर्वसम्मति स्वीकार होया। प्रश्न यह है कि क्लास एक बिल का हिस्सा है जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हाँ कह
जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हम ना कह मैं समझता हाँ कि प्रस्ताव सर्वसम्मति नाल स्वीकार होया। प्रश्न यह है कि टाइटल बिल का टाइटल है जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हाँ कह जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हम ना कह मैं समझता हाँ कि प्रस्ताव सर्वसम्मति नाल स्वीकार होया। वित्त मंत्री जी बिल पास करने लई प्रस्ताव पेश कर। माननीय स्पीकर साहब मैं यह भी प्रस्ताव करता हाँ कि पंजाब निमित्तन लेखा अनुदान बिल 2022 पास किया जाए। प्रस्ताव पेश किया गया कि पंजाब निमित्तन लेखा अनुदान बिल 2022 पास किया जाए। प्रश्न है कि पंजाब निमित्तन लेखा अनुदान बिल 2022 पास किया जाए जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के हक में हाँ कह जेडे मानयोग मैंबर प्रस्ताव के विरुद्ध हम ना कह मैं समझता हाँ कि प्रस्ताव सर्वसम्मति नाल पास होया। सदन अणमिथे समय लई स्थगित हुंदा है। सदन की कार्रवाई जड़ी है फिलहाल हुण अणमिथे समय लई स्थगित करती गई है, लेकिन अज दस दईए कि जदों विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई है सो शहीदां नूं जड़ी श्रद्धांजलि दे के शुरुआत हुई और उस तों बाद भगवंत मान ने सदन दे विच जड़ा मता पेश कीता जिस दे विच शहीद आजम भगत सिंह अते डॉक्टर अंबेडकर का बुत लगाया जाए उस तो लैके सर्वसहमति दे नाल मता पास करता गया और नाल दे नाल महाराजा रणजीत सिंह का भी हुण बुत लगेगा जिसके बारे जड़ा सुझाव है वह विरोधी धिर वालों दिता गया। सीएम ने उस तो इलावा कल पंजाब सरकारी छुट्टी का भी ऐलान जड़ा है वह किया है। अपने संबोधन में बोलते उन्होंने कहा कि कल शहीद आजम का शहीदी दिहाड़ा है जिसनों लैके पूरे पंजाब दे विच हुण छुट्टी का ऐलान किया गया। सो प्रताप सिंह बाजवा ने महाराजा रणजीत सिंह का बुत लगाने की मांग की जिसनों भी प्रवान कर लिया गया। मनप्रीत सिंघाली ने शहीद करतार सिंह सराभा का बुत लाने की मांग रखी है। सो अज जिस नाल सदन की यह कार्रवाई शुरू हुई तो हूँ फिलहाल दस दें कि विधानसभा में शहीद भगत सिंह ते बाबा साहब के बुत जड़े ने लगनगे जिसके बारे मता जड़ा है मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों अज सदन के पेश किया गया। सो शहीद भगत सिंह डॉक्टर अंबेडकर का बुत जड़ा है वह लगाया जाएगा इस बारे मता जड़ा है सर्वसहमति दे नाल पास कर दिता गया। हालांकि सुझाव जड़े ने विरोधी धिर के कई आगुओं वालों होर भी दिते गए। मुख्यमंत्री ने इस अलावा कल पंजाब सरकारी छुट्टी का ऐलान जड़ा है वह किया है। कल दस दें कि शहीद आजम का शहीदी दिहाड़ा है जिसनों लैके यह ऐलान किया गया। सो सदन की अज कार्रवाई शुरू हुई सवेरे 10 बजे और तमाम विधायक जड़े ने अज पहुंचे और सब तो पहला शहीदों जी श्रद्धांजलि दी गई और उस तो बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने संबोधन के जिथे कि मता पेश किया कि विधानसभा में शहीद भगत सिंह ते बाबा साहब के पुत लगाए जान। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह मता अज पेश किया जिसनों की सर्वसहमति दे नाल अज सदन दे विच पास कर दिता गया। शहीद भगत सिंह डॉक्टर अंबेडकर का बुत जड़ा है लगाया जाएगा। हालांकि विरोधी धिर के कई आगुओं वालों अपने सुझाव भी दिते गए और दस दी के अलावा महाराजा रणजीत सिंह का भी बुत हुण लगाया जाएगा। और इस अलावा कल मुख्यमंत्री ने पंजाब दे विच सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है शहीद आजम भगत सिंह का शहीदी दिहाड़ा जिसनों लैके ही कल सूबे भर में छुट्टी का ऐलान किया गया। दस दी के प्रताप सिंह बाजवा ने महाराजा रणजीत सिंह का बुत लगाने की मांग की थी। उते ही मनप्रीत सिंह अयाली ने श्रोमणी अकाली दल के आगू जिन्होंने शहीद करतार सिंह सराभा का बुत लाने की मांग रखी है सो सुझाव कई आगुओं वालों दिते गए ने। उते खजाना मंत्री ने आज वोट ऑन अकाउंट बिल जड़ा है वो पेश किया। 3 महीने लिए 37,000 करोड़ तो वादा बजट जड़ा है वो पेश किया गया है आज वोट ऑन अकाउंट के मौके पर। सर्वसहमति दे नाल वोट ऑन अकाउंट जड़ा है वो पास हो गया सदन के जो कार्रवाई चल रही थी। अणमिथे समय लिए फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई जड़ी है वह हुण मुलतवी कर दी गई है। तो खजाना मंत्री ने वोट ऑन अकाउंट बिल पेश किया। दस दिए कि इस सबकी नज़र सी 3 महीने लिए 37,000 करोड़ तो वादा बजट जड़ा है वह पेश किया गया अंतरिम बजट है। सरसहमति दे नाल वोट ऑन अकाउंट जड़ा है वह अज सदन दे विच पास कर दिता गया। अणमिथे समय लिए उस तो बाद स्पीकर वालों विधानसभा की कार्रवाई में मुलतवी करने का ऐलान भी किया गया। सो खजाना मंत्री ने वोट ऑन अकाउंट बिल पेश किया 3 महीने लिए 37,000 करोड़ तो वादा यह जड़ा बजट अंतरिम अज पेश किया गया। सर्वसहमति दे नाल अज सदन की कार्रवाई दौरान वोट ऑन अकाउंट जड़ा पेश किया गया वह पास कर दिता गया और उस तो बाद
स्पीकर वालों अणमिथे समय लिए विधानसभा की कार्रवाई को मुलतवी करने का ऐलान किया गया। दस दिए कि तीजा के आखिरी दिन सी सदन की कार्रवाई का सवेरे 10 बजे कार्रवाई सदन की शुरू हुई। तमाम विधायक जिहड़े ने वो मौजूद सन, विरोधी धिर के आगू भी मौजूद सन। सो इस मौके से जिथे कि सब तो पहला विछड़िया रूहां नूं श्रद्धांजलि दी गई, उस बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संबोधन किया। उन्होंने मता पेश किया जिस विच शहीद आजम भगत सिंह डॉक्टर बी आर अंबेडकर का बुत लगाया जाए, उसको सर्वसहमति नाल पास करता गया। और उस तो बाद खजाना मंत्री ने वोट ऑन अकाउंट बिल पेश किया। दस दिए कि 3 महीने लिए 37,000 करोड़ तो वादा बजट अज पेश किया गया। शहीद भगत सिंह की जन्म तारीख तो अणजाण राजा वड़िंग, सो यह भी एक दिलचस्प तस्वीर नजर आई है। विधानसभा में सीएम ने राजा वड़िंग नूं सवाल पूछा सी। दस दिए कि तुहानूं पता है कि शहीद भगत सिंह का जन्मदिन कदों हुंदा है, सो इस तो अणजाण सन राजा वड़िंग। कांग्रेसी विधायक ने राजा वड़िंग ने जानकारी होण तो इनकार किया। सो दस दिए कि मुख्यमंत्री मान ने कहा कि कमाल है कि तुहानूं भगत सिंह के जन्मदिन बारे ही नहीं पता। सीएम ने कहा कि 28 सितंबर नूं हुंदा है जन्म दिहाड़ा, जिसनूं हुण तुसीं याद रखना। गिद्दड़बाहा तो कांग्रेसी विधायक ने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जिहड़े कि शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिहाड़े तो अणजाण सन, तरीक तो अणजाण सन, अजिहे विचकार एक हासोहीणी स्थिति उन्हां बारे बनती हुई दिखाई दिती। सो की कुछ होया इस मौके ते और की नसीहत फिर मुख्यमंत्री ने दिती, वो भी तुहानूं विखाने। स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री साहब ने कि वह पिछली वारी यह बदलता से शहीद आजम भगत सिंह की कुरबानी के अगे तो सारी दुनिया का सिर चुकता है। बेशक वह पिछली सरकार से, बेशक होने वाली है, बेशक आने वाली है, लेकिन छुट्टी मेरा ख्याल शहीद आजम भगत सिंह नूं दे नाम नाल देनी ठीक है। वह नवांशहर हुंदी है और इन्हां कोई बहुत ही मैं समझदा कि श्रद्धांजलि अर्पित नहीं होनी। चंगा होगा कि जे असी छुट्टी की बजाए उस दिन स्कूलों कॉलेज ऑफिस के शहीद आजम के नाम के बारे लोगों को दसिया जाए। कई जो बच्चे है पीढ़ियां है किदां कुरबानी की, कितने कितने जेलों च रहे, साढ़े वाले चो नहीं पूरे पता कि कितने कित हो। मैं लगता कि मेरी बेनती है मुख्यमंत्री साहब के बारे राही कि उस दिन अगर पूरा दिन सीएम साहब जी, राजा जी ये भी मेरे दिमाग च है। तुहानूं पता कि शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन कदों है जी? कमाल है यार, तुहानूं ये नहीं पता कि जन्मदिन 28 सितंबर नूं हुंदा है। 28 सितंबर नूं स्कूलां कालजां दे विच शहीद आजम भगत सिंह ते कोरियोग्राफीज ते नाल नाल नाटक उन्हां दी जिंदगी बारे ओ जिहड़ा पूरा दिन शहीद आजम नूं उन्हां दी जिंदगी बारे दसण नूं होगा। अज तों नोट कर लो 28 सितंबर हुंदा है जी। सो यह हासोहीणी स्थिति एक राजा वड़िंग नूं लै के सामने नजर आई जदों कि उन्हां तों सवाल मुख्यमंत्री ने पूछा कि भगत सिंह का जिहड़ा जन्म दिहाड़ा कदों हुंदा ते इस बारे अणजाण सन राजा वड़िंग, जिते कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 सितंबर नूं जन्मदिन हुंदा है भगत सिंह का। और हैरानी वाली गल है कि तुहानूं इस बारे जानकारी नहीं है। दस दिए कि गिद्दड़बाहा तो कांग्रेसी विधायक ने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जिस नाल सरकारी छुट्टी का ऐलान मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों किया गया शहीद आजम भगत सिंह के शहीदी दिहाड़े नूं लैके, इस ते कि राजा वड़िंग जिहड़ा किंतु परंतु कर रहे सन। और इस मौके ते ही मुख्यमंत्री ने उन्होंने यह सवाल किया कि क्या तुहानूं जानकारी है कि शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिहाड़ा कदों होंदा, जिस तो कि राजा वड़िंग अणजाण सन और यह स्थिति बनती दिखाई दी। स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री साहब ने कि वह पिछली वारी यह बदलता से शहीद आजम भगत सिंह की कुरबानी के अगे तो सारी दुनिया का सिर चुकता है। बेशक वह पिछली सरकार से, बेशक होने वाली है, बेशक आने वाली है, लेकिन छुट्टी मेरा ख्याल शहीद आजम भगत सिंह नूं दे नाम नाल देनी ठीक है। वो नवांशहर हुंदी है और इन्हां कोई बहुत ही मैं समझदा कि श्रद्धांजलि अर्पित नहीं होनी। चंगा होगा कि जे असी छुट्टी की बजाए उस दिन स्कूलों कॉलेज ऑफिस के शहीद आजम के नाम के बारे लोगों को दसिया जाए। कई जो बच्चे है पीढ़ियां है किदां कुरबानी की, कितने कितने जेलों च रहे, साढ़े वाले चो नहीं पूरे पता कि कितने कित हो। मैं लगता कि मेरी बेनती है मुख्यमंत्री साहब के बारे राही कि उस दिन अगर पूरा दिन
पूरा दिन सीएम साहब जी, राजा जी, राजा जी, ये भी मेरे दिमाग च है। तुम पता कि शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन कदों होंगे है जी? कमाल है यार, तुम ये नहीं पता कि जन्मदिन 28 सितंबर में होंगे। 28 सितंबर स्कूलों कॉलेजों के शहीद आजम भगत सिंह के कोरियोग्राफीज ते नाल नाल नाटक उन्हां दी जिंदगी बारे वो जिहड़ा पूरा दिन शहीद आजम नूं उन्हां दी जिंदगी बारे दसण नूं होगा। अज तो नोट कर लो 28 सितंबर होंदा है जी।